नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। जिस तरह से एग्जिट पोल के रुझान आ रहा है वो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के पक्ष में दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हैदराबाद की जो सीट थी वो काफ़ी हॉट सीट बन चुकी थी और वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी माधवी लता कहीं ना कहीं उनके सामने थे। लेकिन जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को वहां पर जो है एग्जिट पोल में जो बढ़त मिल रही है और जो रुझान आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी साहब फिर से एक बार सांसद ने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो जिक्र हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने खुद अपना प्रचार खुद किया, लेकिन वहां की जनता ने जो एक भरोसा जताया है असदुद्दीन ओवैसी साहब पर, जिस तरह से उन्होंने लोगों को कहीं ना कहीं जो मतदान किया है एमआईएम पार्टी पर, पतंग पर, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हैदराबाद में रिवाज बरकरार रहा है और उसके बाद आकाश में पतंग उड़ी है और लोगों ने भरोसा जताया है। और अगर हम बात करें किशनगंज की सीट पर, तो किशनगंज को लेकर भी बड़ा जिक्र हो रहा है कि क्या अख्तरुल ईमान को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, क्योंकि मैं खुद वहां पर 16-17 दिन तकरीबन मैंने ग्राउंड रिपोर्ट किया था और जो मेरा आकलन कहता है कि वहां पर जो बंपर वोटिंग पड़े थे और उसके बाद जो एमएम के हक में पड़ा था, क्योंकि अख्तरुल ईमान को सीमांचल का गांधी कहा जाता है और अख्तरुल ईमान एक कद्दावर लेटा बेटा है वहां का, एक कद्दावर नेता है वहां का, तो लोगों का जो एक कहीं ना कहीं एक हमदर्दी है अख्तरुल ईमान से, असदुद्दीन ओवैसी साहब से और औरंगाबाद में इम्तियाज जलील साहब से, तो ये कहीं ना एक बड़ा सवाल है। तो बार बार इस बात को लेकर जिक्र हो रहा है कि क्या एमआईएम पार्टी को जो रुझानों में जो बढ़त मिल रही है असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर जो है हैदराबाद से उनका कहीं ना कहीं एक सीट निकल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम किशनगंज की बात करें तो किशनगंज में भी अख्तरुल ईमान का कहीं ना कहीं पलड़ा भारी दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मैं खुद वहां पर था तो मैं उन चीज़ों को समझ सकता हूं। लेकिन हैदराबाद की बात अगर करते हुए भी अगर औरंगाबाद की बात हम करें तो औरंगाबाद में भी इम्तियाज जलील साहब ने काफ़ी मेहनत किया और उसके बाद उन्होंने लोगों के बीच जो काम किया उन्होंने, क्योंकि पिछले बार भी जनता ने उन पर भरोसा जता करके जो है वो भेजा था, तो इस बार भी लग रहा है कि वो दोबारा सांसद बन रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बार फिर सांसद बन रहे हैं और किशनगंज से अख्तरुल ईमान भी सांसद बनने के कहीं ना कहीं जो है रेस में है और इस बार 3 सांसद एमआईएम के होने जा रहे हैं, इस बात को नोट कर लीजिए। अब 4 तारीख को क्या कुछ निकल करके आता है ये तो हम बताएंगे ही, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या जो माधवी लता ने कहीं ना कहीं जो धर्म के नाम पर वहां पर बांटने की कोशिश की, गृह मंत्री अमित शाह उनके जो है चुनाव प्रचार के लिए वहां पर प्रचार किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर प्रचार किया, तो ये जो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए प्रचार प्रसार करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले पैदल फिरते हुए नजर आते हैं वहां पर, लोगों से कहीं ना कहीं वोट मांगने की अपील करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कुछ दिन वहां पर चुनाव प्रचार किए, अख्तरुल ईमान साहब वहां पर गए चुनाव प्रचार करने, लेकिन जो एग्जिट पोल जो आ रहा है, जो एग्जिट पोल में साफ तौर पर इस बात को लेकर लहर है, इस बात को लेकर जो है कहीं ना कहीं चर्चा है कि रुझानों में एमआईएम पार्टी जीत रही है और एमआईएम पार्टी को कहीं ना कहीं बढ़त मिल रही है और असदुद्दीन ओवैसी साहब वो फिर से चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं, तो एक बड़ा बदलाव हैदराबाद में, किशनगंज में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, रिवाज कायम हुआ है हैदराबाद में और बरकरार रहा है और उसके बाद आकाश में पतंग उड़ी है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, क्या हैदराबाद में भी ये रिवाज कायम होता है, माफ कीजिएगा, क्या औरंगाबाद में भी ये रिवाज कायम होता है, क्योंकि किशनगंज की जनता ने अख्तरुल ईमान पे भी भरोसा जताया है। अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून को क्या कुछ निकल करके आता है, लेकिन रुझानों में एमआईएम पार्टी की बढ़त हो रही है और असदुद्दीन ओवैसी साहब कहीं ना कहीं बंपर वोटों से जीतने जा रहे हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। आपको क्या लग रहा है, क्या अख्तरुल ईमान जीत रहे हैं औरंगाबाद से, इम्तियाज जलील जीत रहे हैं या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब, कितने वोटों से जीतेंगे, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं, आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, बाकी ताज़ातरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।